हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स स्टेशन एंड विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 15th वीडियो है। इसके पहले 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, जो कि आपके बच्चों बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, हम लोग आने वाले ऑल इंडिया बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करवाए हैं, बट इस टाइम पे अपना पूरा फोकस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के ऊपर फोकस्ड है, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप लोग हम लोग के चैनल पे जाके बीटू बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस की वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके वहां पे सारे वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है। एंड दोस्तों हम लोगों की खुद की एंड्रॉइड ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे सी स्टडी मटेरियल है। एंड आप लोग हम लोग की ऑनलाइन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको कोई भी डाउट है वो हम लोग के कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था दोस्तों कि इंटरनल बिजनेस क्या होता है, ठीक है। आज सीखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। दोस्तों मैंने खुद ये नोट्स बनाए हैं, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ये पीडीएफ केवल उन्हीं पर अवेलेबल हो पाएगी जिन्होंने प्रीमियम कोर्स को परचेज किया है। वैसे वीडियो आपकी ये टोटली फ्री है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस रिफर टू दोस बिजनेस एक्टिविटी दैट टेक प्लेस बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री। अगर एक कोई ऐसा बिजनेस तो किसी कंट्री से बाहर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। सपोज अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर बिजनेस हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। दो कंट्रीज के लोगों के बीच बिजनेस हो रहा है तो भी उसको बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। तो दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में बिजनेस होगा तो उसको इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर केवल सामान को ही, सर्विस को ही नहीं बेचा जाता है, बहुत और भी चीजें होती हैं जिनको बेचा जाता है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में सामान और सर्विसेज तो बेचेंगे ही बेचेंगे, साथ में कैपिटल हो गया, पैसों ने मतलब जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब दोस्तों ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एंड पेटेंट अगर आपने करवाया है, ट्रेडमार्क, नो हाउ, कॉपीराइट, इन सब चीजों को भी क्या बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल किया जाता है। अगर कोई देश अपने यहाँ का पेटेंट अदर कंट्री को दे रहा है तो ये सब भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। इन्वॉल्व टू कंट्रीज, मिनिमम दो कंट्री होने ही चाहिए। यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भैया फॉरेन एक्सचेंज का आदान प्रदान होगा। इंटरनेशनल बिजनेस होगा तो पेमेंट होगी, पेमेंट होगा तो इंटरनेशनल करेंसी आ जाएगी। लीगल ऑब्लिगेशन, दोस्तों बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता है। हाई डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल बिजनेस। अपने देश में बिजनेस करना आसान है, इंटरनेशनल बिजनेस करना मुश्किल होता है। हैवी डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों, इतना डॉक्यूमेंट होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है दोस्तों इसको करने में। लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, भैया पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो भैया बेचते और खरीदने आपस में मिले नहीं होते हैं, ठीक है। समझने की बात, बहुत कम किसी में वो मिले होते हैं, बट बिना पर्सनल कॉन्टैक्ट के ही बिजनेस होता है, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं अपने, सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है एक एक्सपोर्ट, एक होता है इम्पोर्ट और एक होता है इंटरपोर्ट। तो तीनों के बारे में भाई भाई से पढ़ेंगे। एंड दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा टिपिकल है, कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमको पूरे प्रोसीजर को ध्यान से सुनना है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जो कि मैं आपको बताता चाहूंगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, रिफर टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ फर्म ऑफ अ होम कंट्री। अगर कोई होम कंट्री, सपोज इंडिया सामान बेच रहा है किसी फॉरेन कंट्री को, तो उसको बोलेंगे दोस्तों एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। दोस्तों आप क्या बोलते हैं, सेल ऑफ सूट्स बाय हैदराबाद, मान लीजिए कि हैदराबाद कंपनी ने वॉलमार्ट को यूएसए में सामान बेचा तो ये क्या कहा जाएगा, एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाएगा, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कि अगर हैदराबाद इंडिया की कंपनी है, उसने वॉलमार्ट जो अमेरिका कंपनी उसको सामान बेचा, सर्विस दी, तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब जब एक कंट्री इंडिया अपने यहाँ का सामान, होम डोमेस्टिक का सामान बाहर बेचती है, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। व्हेन डोमेस्टिक कंट्री सेल गुड्स टू फॉरेन कंट्री इज नोन एज एक्सपोर्ट। अब इसके ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, टू सेल सरप्लस गुड्स, अपने यहाँ जो ज्यादा बन गया है उसको बाहर बेच दो। टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, जिस देश के पास ज्यादा फॉरेन करेंसी होगी उस देश की औकात उतनी ज्यादा होगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। टू इंक्रीज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाने के लिए। टू क्रिएट इंटरनेशनल कॉपरेशन, भैया इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनल समझौते होते हैं उनमें कॉपरेशन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है। दोस्तों आपने कभी ना कभी अपने याइफ के अंदर ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। याइफ तो अभी आपकी बहुत छोटी है बट आपने पढ़ा जरूर होगा एंड कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी हुए होंगे। तो चलिए आज सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स के नाम आएंगे उनको सबको आपको याद रखना है एंड किसने किस डॉक्यूमेंट को इशू किया, उस डॉक्यूमेंट का मतलब काम मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक कहानी की तरह हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। दोस्तों एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है, मान लीजिए इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है वो सामान को बाहर बेचना चाहता है फॉरेन करेंसी में, तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। अब वो कैसे बेचेगा, सबसे पहले दोस्तों उसको आएगी इंक्वायरी। मान लीजिए अमेरिका में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको चाहिए कोई सामान, तो वो इंडिया में इंक्वायरी भेजेगा, ठीक है। इंक्वायरी भेजेगा कि यहाँ का जो एक्सपोर्टर होगा वो क्या भेजेगा, उसको कोटेशन भेजेगा। अब कोटेशन क्या होता है, देखिए फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव बायर जो खरीदने वाला इंसान होगा मतलब इम्पोर्टर, एक इंक्वायरी भेजेगा टू डिफरेंट एक्सपोर्टर, इंडिया के डिफरेंट एक्सपोर्टर्स को। दोस्तों यहाँ पे इंडिया और अमेरिका को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। तो जो प्रोस्पेक्टिव बायर होगा वो एक इंक्वायरी सेंड करेगा कि भैया हमको ये सामान चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सामान है कि नहीं आपके पास, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अब उसके इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में यहाँ के जो एक्सपोर्टर होंगे उसको ये प्राइस भेजेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन, कोटेशन के फॉर्म में कि भैया हाँ, जिसको हम लोग प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी कहते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस याद रखिएगा। जब यहाँ का एक्सपोर्टर इंक्वायरी के बदले में रिस्पॉन्स देगा हाँ भैया सामान वामान है, ऐसा सामान है वैसा सामान है, उस कोटेशन को कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, जिसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग प्राइस की, क्वालिटी की, ग्रेड की, साइज की, वेट की एंड अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। जिसको देखने के बाद ही तो भैया इम्पोर्टर ऑर्डर देगा, ठीक है। तो भैया अभी तक हुआ क्या, हुआ ये कि इम्पोर्टर ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के बाद एक्सपोर्टर ने भैया परफॉर्मा इनवॉइस भेजा मतलब कोटेशन, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। अब दोस्तों अब वो इम्पोर्टर क्या करेगा, ऑर्डर देगा। ऑर्डर देगा तो होगा क्या, रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर या फिर इंडेंट, मतलब इफ प्रोस्पेक्टिव बायर इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड होगा विद द कोटेशन, जो उसको कोटेशन मिला है सामान का दाम वाम, सेंट टू परफॉर्मा इनवॉइस, जो उसको भेजा गया था परफॉर्मा इनवॉइस की मदद से, देन ही पेस एन ऑर्डर, तब वो ऑर्डर देगा सामान खरीदने का। दिस ऑर्डर इज नोन एज इंडेंट, भैया याद रखिएगा ये इंडेंट कौन देगा, इम्पोर्टर देगा एक्सपोर्टर को, ऑर्डर होते हैं इसको कि क्या क्या खरीदना है उसको। इंडेंट के अंदर कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स ऑर्डर, कितना उसने ऑर्डर दिया याद रखिएगा, जितना उसने ऑर्डर दिया है, प्राइस क्या क्या है, टू बी पेड कितना वो पे करेगा, डिलीवरी टाइम्स, पैकिंग, मार्किंग डिटेल, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें उसके अंदर लिखी होंगी, ठीक है। अब आते हैं तीसरे के ऊपर, भैया उसने तो ऑर्डर दे दिया, अब जो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्टर है उसको भैया ये जानना है कि भैया वो पैसा दे पाएगा कि नहीं, भैया उसकी क्रेडिट वर्दिनेस है कि नहीं, सामान मंगा देगा पैसा देगा कि नहीं। तो वो क्या करेगा एक्सपोर्टर अपना उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करेगा इम्पोर्टर की, असेसिंग इम्पोर्टर क्रेडिट वर्दिनेस एंड ये सिक्योर करेगा कि पेमेंट उसकी आएगी कि नहीं आएगी, इस बात की गारंटी को चेक करेगा। तो भैया टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, भैया नॉन पेमेंट ना हो जाए एक्सपोर्टर, जनरेट डिमांड, बोलते हैं भैया हमको लेटर ऑफ क्रेडिट दो। अब ये ऐसी सर्टिफिकेट ये क्या होता है, ठीक है, इम्पोर्टर से मांगते हैं एक्सपोर्टर योग। दोस्तों ये एक तरह का गारंटी सर्टिफिकेट होता है जो कि इम्पोर्टर को उसका बैंक देता है, उसका बैंक एक तरह से गारंटी देता है कि भैया हम पेमेंट कर देंगे अपने एक्सपोर्टर को, तुम जाके ये दे दो, ठीक है। तो ऐसी सर्टिफिकेट इज गारंटेड इशूड बाई इम्पोर्टर बैंक, कौन इशू करता है, इम्पोर्टर का बैंक इशू करता है, दैट वी ऑनलाइन पेमेंट, मतलब कि अगर इम्पोर्टर पेमेंट नहीं कर पाया तो उसका बैंक पेमेंट कर देगा। ये बहुत ही सिक्योर्ड मेथड है पेमेंट करने का, एक तरह का ऐसी सर्टिफिकेट गारंटी सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। या चाहिए अपना एक्सपोर्टर सर्टिफाइड हो गया, उसको इम्पोर्टर से ऐसी सर्टिफिकेट लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, ठीक है। अब क्या भैया, अब भैया अपने एक्सपोर्टर को लाइसेंस देना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के सामान तो भेज नहीं पाएगा, लाइसेंस मतलब कि उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं वो सामान भेज पाए वो या। तो व्हेन द एक्सपोर्टर इज एश्योर्ड अबाउट द पेमेंट, एश्योर्ड हो गया, ही इनिशिएट स्टेप्स टू फुलफिल एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी, भैया वो एक्सपोर्ट की फॉर्मेलिटी को पूरा करेगा। इन इंडिया एक्सपोर्टर नीड एक्सपोर्ट लाइसेंस ये होता है बिफोर एक्सपोर्टिंग गुड्स, सामान को भेजने से पहले, और फर्म नीड, अगर फर्म है चाहे एक्सपोर्टर है उसको रजिस्टर करना पड़ता है डीजीएफटी के पास। अब दोस्तों ये डीजीएफटी क्या होता है, और ये उसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है आपके फॉरेन ट्रेड के लिए, ठीक है, इसके पास से आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों लाइसेंस लेने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, भैया आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा कॉमर्स, जो जिस दो बैंक आईबीआई से रजिस्टर्ड है मतलब आईबीआई के अंदर कंट्रोल में आते हैं, ठीक। अप्लाई फॉर, अब आपको आईईसी कोड देना पड़ेगा, ये आईईसी कोड क्या होता है दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड,
ये आपको कौन देगा? डीजीएफटी देगा, ठीक है। मतलब आपको लाइसेंस लेने के पहले एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड देना पड़ेगा, फिर आपको आईसीएमसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ईसीजीसी के अंदर, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दोस्तों बस आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मेलिटी याद रखिए। इतना करने के बाद आपको मिल जाएगा क्या? आपका लाइसेंस, ठीक है। एंड आपको आईईसी कोड भी मिलेगा, तो ये जो आईईसी कोड होता है कौन देगा आपको? डीजीएफटी देगा, ठीक है ना। लाइसेंस कौन देगा? डीजीएफटी देगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब आपको ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, भैया सामान बनाने के लिए पैसा भी चाहिए ना, तो आफ्टर रिसीविंग लेटर ऑफ क्रेडिट द एक्सपोर्टर अप्रोचेस हिज बैंक। अब एक्सपोर्टर अपने बैंक के पास जाएगा, कहेगा भैया हमको प्री शिपमेंट फाइनेंस दे दो, मतलब सामान को बनाने के लिए पैसा दे दो। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस एक तरह का फाइनेंस मतलब पैसा होता है दैट एक्सपोर्टर नीड्स टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, अदर चीजें खरीदने के पैसा चाहिए होता है, ठीक है। चाहिए, ये भी हो गया। अब पैसा मिल गया उसको, तो वो प्रोडक्शन करेगा या तो प्रोक्योरमेंट करेगा, प्रोडक्शन मतलब बनाएगा या तो सामान को खरीदेगा जैसा भी उसने बोला था। तो आफ्टर गेटिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस एक्सपोर्टर स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एज पर दी ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा? प्री शिपमेंट एक्सपेंशन। अब सामान बना दिया उसे, मान लीजिए अब सामान को भेजने से पहले इंस्पेक्शन भी होता है टू इंश्योर गुड क्वालिटी, सामान क्वालिटी का है कि नहीं, कि एक्सपोर्ट किया जाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, ठीक है। दोस्तों ये कुछ सामानों के लिए है, सारे सामान के लिए नहीं है। तो फॉर सर्टेन कैटेगरी प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में आता है तो एक्सपोर्टर को अप्लाई करना पड़ता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी EIA के पास में, ठीक है। अगर वहां पे अप्लाई करता है, इफ गुड्स कंफर्म टू, अगर उसका गुड्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है, क्वालिटी का होता है, तो उसको एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। कौन करता है ये? ये EIA करता है, इंस्पेक्शन एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, ठीक है। अब दिस सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड, इसको सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विद अदर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के टाइम पे इसको भी जमा करना पड़ेगा। अब दोस्तों एक्साइज क्लियरेंस, अब ये एक्साइज क्लियरेंस क्या होता है? एक्साइज एक तरह का टैक्स होता है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के हिसाब से एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे एक्साइज ड्यूटी, उसको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है ऑन सर्टेन एक्साइजेबल गुड्स, कुछ एक्साइजेबल गुड्स के ऊपर, एंड उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिसका नाम है एक्साइज क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि हाँ भैया उसने वो सामान के ऊपर एक्साइज टैक्स पे कर दिया है, अगर उसके ऊपर टैक्स लगता है तो। अब इस सर्टिफिकेट के लिए ही हैज टू अप्लाई कंसर्न एक्साइज कमिश्नर, इसके पास अप्लाई करना पड़ता है विथ इनवॉइस, इनवॉइस के साथ में, ठीक है दोस्तों। व्हेन कमिश्नर सेटिस्फाइड ही इशू एक्साइज क्लियरेंस, वो एक्साइज क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब दोस्तों क्या होगा? ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, भैया आपको इस बात की गारंटी लेनी पड़ती है कि आपने सामान कहाँ का बेचा है, वो सामान कहाँ बना है, मतलब कि सम इम्पोर्टिंग कंट्री, कुछ इम्पोर्टिंग कंट्री होती है वो कुछ बेनिफिट देती है, ठीक है। कुछ बेनिफिट क्यों देती है? अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बना हुआ सामान बेचेंगे, ठीक है, तो सम इम्पोर्टिंग कंट्री प्रोवाइड टैरिफ कंसेशन, टैक्स में छूट देती है, एंड अदर छूट भी देती है टू गुड्स कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्री। तो इस बेनिफिट को पाने के लिए इन ऑर्डर टू ओपन सच बेनिफिट, इम्पोर्टर में, इम्पोर्टर बोलता है एक्सपोर्टर को कि भैया आप हमको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दीजिए कि आपका सामान कहाँ बना है, ठीक है। दिस ये सर्टिफिकेट टेस्टिफाई करता है कि वो सामान एक्चुअल में बना कहाँ है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट किया जाया है। इट कैन बी ओपेन फ्रॉम ट्रेड काउंसिल, ये ट्रेड काउंसिल से मिलेगा जो कि आप ही की कंट्री में, एक्सपोर्टर के कंट्री में होगा, आप वहां जाके ये सर्टिफिकेट को ये सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना हमने देख लिया दोस्तों, ये थोड़ा कठिन है बट इतना कठिन भी नहीं है। अब रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, अब आपको जिस जहाज से सामान को भेजना है उसमें आपको रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा कि हाँ भैया जगह को बुकिंग करवानी पड़ेगी। एक्सपोर्टिंग फर्म अप्लाई टू शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी अप्लाई करेगी फॉर रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, ठीक है। ही हैज टू प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग टाइप, उसको बताना पड़ेगा किस टाइप का गुड है, कब तक वो सामान पहुंचना है, किस पोर्ट में डेस्टिनेशन है, ये सब बताना पड़ेगा। ऑन एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, जब शिपिंग कंपनी उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी, ये वो उसको एक शिपिंग ऑर्डर इशू कर देगी। अब दोस्तों शिपिंग ऑर्डर कौन इशू करेगा? शिपिंग कंपनी इशू करेगी, याद रखिएगा। शिपिंग ऑर्डर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन टू द कैप्टन, मतलब उस जहाज के कैप्टन को एक तरह से इंस्ट्रक्शन ऑफ द शिप टू रिसीव द स्पेसिफाइड गुड्स, की आपको वो गुड्स को रिसीव करना है ऑन बोर्ड आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम, मतलब जब इनका सामान कस्टम से निकल जाएगा, कस्टम से क्लियर हो जाएगा, तो आपको सामान को अपने जहाज के अंदर लोड करना होगा, ठीक है। अब भैया आप करवाओगे सामान की पैकिंग और फॉरवर्ड करवाओगे,
तो देन गुड्स है प्रॉपर ही, आप सामान को अच्छे से पैक करोगे, मार्किंग करोगे, नेसेसरी डिटेल लिखोगे, नेम एड्रेस इम्पोर्टर का, ग्रॉस नेट वेट, कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन, सब उसके ऊपर लिख दोगे। ठीक है, फिर एक्सपोर्टर मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू पोर्ट बाय रोड और ये, भैया आप उसको सामान को पोर्ट तक पहुंचाना है ना, जहाँ सामान जाएगा तो वहां तक पहुंचाने का इंतजाम करोगे ट्रेन से, ये से, चाहे जैसे भी। फिर इन इन केस गुड्स आर लोडेड इन द रेलवे वैगन, अगर आपने रेलवे वैगन से गुड्स को भेजा है तो उसको आपके पास रेलवे रिसिप्ट इशू होगी आपके, तो जिसको हम लोग सर्व एज अ टाइटल ऑफ गुड्स कहते हैं, मतलब कि अगर आपने अपने सामान को पोर्ट तक, बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया है, तो आपको एक रेलवे रिसिप्ट मिल जाएगी जो एक तरह से टाइटल ऑफ गुड्स का काम करेगा, मतलब जिसके पास वो रिसिप्ट होगी वही उस सामान का मालिक होगा। दिस रिसिप्ट इज इंडोर्स इन फेवर ऑफ एजेंट टू इनेबल हिम टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एट ए प्योर शिपमेंट। अब जब पोर्ट के पास सामान पहुंचेगा तो सामान की डिलीवरी को लेने के लिए वो आपका ये भी रिसिप्ट काम आएगा। दोस्तों अब इंश्योरेंस, सामान कहीं खराब ना हो जाए रास्ते में, इसलिए एक्सपोर्टर क्या करवाता है, इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्रेडिटेड बाई एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, इंश्योरेंस करवाएगा उसका। अब कस्टम, कस्टम में दो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जहां से क्लियर करवाना पड़ता है सामान को। गुड्स कैन बी लोडेड ऑन द शिप ओनली व्हेन दे कस्टम क्लियरेंस, जब उसको कस्टम की क्लियरेंस मिल जाएगी। ठीक है, टू ऑब्टेन कस्टम क्लियरेंस एक्सपोर्टर प्रिपेयर शिपिंग बिल, एक्सपोर्टर को, दोस्तों एक्सपोर्टर को शिपिंग बिल बनाना पड़ता है जिसके अंदर रिगार्डिंग गुड्स कौन सा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जहाज का नाम क्या है, किस पोर्ट से किया जा रहा है, कहाँ वे गुड्स आर टू बी डिस्चार्ज, कहाँ उतारा जाएगा, डेस्टिनेशन कंट्री, एक्सपोर्टर नेम एड्रेस, ये सब चीजें। ठीक है, उसका दोस्तों अब फाइव कॉपी, इन सबके साथ में पांच कॉपी फोटो कॉपी अलॉन्ग विद द कस्टम अपेजर ऑफिसर कस्टम हाउस को जमा करनी पड़ती है। ठीक है, शिपिंग बिल के साथ में दोस्तों ये क्या क्या चार चीजें थी, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन अगर हुआ है तो, मरीन इंश्योरेंस अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो मरीन का इंश्योरेंस पॉलिसी। आफ्टर सबमिटिंग दिस डॉक्यूमेंट सुपरिटेंडेंट इज अप्रोच टू ऑब्टेन कार्टिंग ऑर्डर, उसको कार्टिंग ऑर्डर मिलेगा, भैया हमको कार्टिंग ऑर्डर दे दो। अब ये कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है, इंस्ट्रक्ट द स्टाफ, स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देना एट पोर्ट के गेट पे, बंदरगाह का जो पोर्ट होगा वहां पे जो गेट होगा, कि परमिट दे दो कार्गो एंट्री इनसाइड द डॉक, भैया अंदर वो जहां जा सके। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप लोग पोर्ट के अंदर आसानी से घुस जाएंगे, जिसको जो भी एक्सपोर्टर है उसको एक कार्टिंग ऑर्डर मिलना चाहिए, जिससे कि पोर्ट के अंदर वो जाए, वो ये ऑर्डर होगा तभी वो अंदर जा पाएगा। ठीक है, जिसको दिखा के आफ्टर ओपनिंग कार्टिंग ऑर्डर कार्गो इज फिजिकली मूव इन टू पोर्ट एरिया, कार्गो जो आपका जहाज होगा, सॉरी आपका जो सामान होगा वो पोर्ट एरिया में आ पाएगा। नोट, यहाँ पे नोट कीजिए, एक्सपोर्टर कैन हायर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, दोस्तों सी एंड एफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अगर एक्सपोर्टर को इतने सारे काम नहीं करने हैं तो वो एक एजेंट को हायर कर लेता है जिसका नाम होता है सी एंड एफ एजेंट। ठीक है, अगर इतने सारे काम उसको नहीं करने तो उसका एजेंट ये काम कर देगा, उस एजेंट का नाम होता है सी एंड एफ। ठीक है, अब ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट, अब ये मेट रिसिप्ट क्या होता है, आफ्टर गेटिंग कस्टम क्लियरेंस, कस्टम से आपको क्लियरेंस मिल गया, द गुड्स आर लोडेड ऑन शिप, सामान को गुड्स सामान को लोड किया जाएगा शिप के अंदर, फॉर विच कैप्टन ऑफ द शिप, जो कैप्टन होगा, कप्तान होगा आपके जहाज का, ठीक है, पानी के जहाज का, और हिज मेट, मेट मतलब उसका असिस्टेंट, एक रिसिप्ट इशू करेगा पोर्ट सुपरिटेंडेंट को, नोन एज मेट रिसिप्ट। अब ये मेट रिसिप्ट क्या होता है, मेट मतलब असिस्टेंट रिसिप्ट, इट कंटेन डिटेल रिगार्डिंग नेम ऑफ द वेसल, जहाज का नाम क्या है, बर्थ, किस बर्थ पे है शिपमेंट का, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज, आपके पैकेज का डिस्क्रिप्शन एंड नंबर, किस नंबर पे सामान जाता है, द पोर्ट सुपरिटेंडेंट हैंड्स ओवर टू मेट रिसिप्ट एंड सीएफ टू सीएफ एन एजेंट, इसको दे देगा या तो भैया एक्सपोर्टर तो एक्सपोर्टर को दे देगा, आफ्टर रिसीविंग पोर्ट ड्यू, पोर्ट में जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब पे करने के बाद। अब दोस्तों क्या होगा, पेमेंट ऑफ फ्लाइट एंड इंश्योरेंस ऑफ बेस ऑफ यार्डिंग, पेमेंट ऑफ फ्लाइट, और फ्लाइट मतलब जो भाड़ा होता है वो देना पड़ेगा आपको, भैया आपने सामान भेजे हो तो भाड़ा देना पड़ेगा ना, एंड इंश्योरेंस ऑफ बेस ऑफ यार्डिंग, तो भैया उसका बिल ऑफ यार्डिंग इशू होगा। अब ये पूछा भी गया एग्जाम में, आफ्टर गेटिंग मेट रिसिप्ट एक्सपोर्टर जो होगा या फिर सी एफ एन एजेंट सरेंडर द मेट रिसिप्ट टू द शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी को दे देगा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फ्लाइट, कि भैया सामान का कितना पैसा हुआ, कितना देना पड़ेगा अपने को। तो आफ्टर शिपिंग कंपनी रिसीव फ्लाइट, जब उसको फ्लाइट मिल जाता है तो वो इशू करती है बिल ऑफ यार्डिंग। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, जैसे ही शिपिंग कंपनी को फ्लाइट मतलब भाड़ा मिल जाता है कि कितना पैसा लगा है, मिलने के बाद वो एक बिल ऑफ लैडिंग इशू करती है। ठीक है, तो विच जो कि काम करता है एज ए एविडेंस कि शिपिंग कंपनी ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया है
एंड गुड्स को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचा देगी। ठीक है, इन केस गुड्स आर सेंड बाय एआई तो इस डॉक्यूमेंट को एआई वे भी बोलेंगे। ठीक है, इफ फ्लाइट हैज टू बी पेड बाय इंपोर्टर, अगर वो फ्लाइट इंपोर्टर देगा तो बी के ऊपर मार्क कर दिया जाएगा फ्लाइट फॉरवर्ड, द बी ऑफ द हेडिंग इज मार्क्ड एज फ्लाइट फॉरवर्ड, मतलब कि भैया ये पैसा इंपोर्टर देगा, वहां पर जाके उसे यही आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, अब क्या होगा आफ्टर सेंडिंग द गुड, सामान को भेजने के बाद जो एक्सपोर्टर होगा वो एक इनवॉइस बनाएगा जो उसने सामान को भेजा है। ठीक है, भेज एक तरह से। सिक्योरिंग पेमेंट आफ्टर द शिपमेंट, जब शिपमेंट वहां पहुंच जाएगा एक्सपोर्टर इन्फॉर्म द इम्पोर्टर एंड सेंड फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट भेजेगा जिससे कि भैया जो इम्पोर्टर है सामान को वहां पे ये सके। ठीक है, क्या क्या, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ लैडिंग, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब उसको भेजेगा क्योंकि इनके बिना इम्पोर्टर सामान को नहीं ये पाएगा। दिस डॉक्यूमेंट आर सेंड टू एक्सपोर्टर बैंक, एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो भेजेगा विद द इंस्ट्रक्शन दैट डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड टू द इम्पोर्टर ओनली व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब वो भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा, जो आपका एक्सपोर्टर होगा वो एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पेमेंट का तरीका होता है, बनाने बाद भी इसको भेज देगा अलॉन्ग विद इस सब डॉक्यूमेंट के साथ में, जैसे ही वो इसको एक्सेप्ट करेगा उसका बैंक उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देगा। ठीक है, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोस्तों क्या होता है, एक तरह का ऑर्डर होता है इम्पोर्टर टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द ऑर्डर या फिर सर्टेन परसेंट या फिर बियर, मतलब एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपको पता है मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों। ये इसलिए भेजता है जब वो डॉक्यूमेंट उसको मिलने से पहले वो उसको इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन करना पड़ता है, जैसे ही वो साइन करेगा उसको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दिया जाएगा एंड पेमेंट हो जाएगी। दोस्तों आपको इसमें याद क्या करना है, याद करना है कि कितने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन इशू करता है, जैसे बिल ऑफ लैडिंग कौन इशू करता है, तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपके याद करने के लिए मैंने यहाँ पे अलग से दे दिया है दोस्तों, ये देखिए डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गुड्स शिपमेंट एंड पेमेंट। ठीक है, जैसे कि एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या होता है, ठीक है, पैकिंग इज, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, कौन इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब के बारे में दे दिया, आप लोग इसको रीडिंग मारेंगे बट क्या बोलते हैं मैंने ऊपर आपको सब बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी आपके इम्पोर्ट एड प्रोसीजर के लिए। ठीक है, हम लोग आपके सारे सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एंड अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करनी है दोस्तों तो आप लोग हम लोग प्रीमियम टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर डेली क्विज होते हैं दोस्तों 50+ क्वेश्चंस के, एंड जो ऑनलाइन टेस्ट है वो तो अलग से ही है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।